मोदी के रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर संभल में देखने को मिली है, जब भव्य कार्यक्रम में पीएम ने चंदौसी रेलवे स्टेशन का वर्चुअली शिलान्यास किया है। 20 करोड़ से चंदौसी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे ने भव्य पंडाल सजाया, जहां पीएम ने देश के 508 स्टेशन समेत चंदौसी रेलवे स्टेशन का वर्चुअली शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में जिले के डीएम, एसपी और तमाम भाजपाई तथा रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं, जहां स्टेशन के आधुनिकीकरण को लेकर भाजपाइयों में उत्साह दिखा है। कार्यक्रम का एलईडी से प्रसारण किया गया है। आपको बता दें कि चंदौसी जिले का अकेला जंक्शन है, जहां से राष्ट्रीय और प्रदेश की राजधानी समेत पंजाब, हरियाणा, बंगाल, बिहार समेत दूसरे राज्यों को ट्रेन द्वारा आवाजाही होती है। ये पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज 508 रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण के लिए उनका शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य करवाया जाएगा। उसका आज शिलान्यास किया गया है। उसी के तहत यूपी के 55 और उसमें चंदौसी रेलवे स्टेशन संभल जनपद का भी एक है, जिसका नवीनीकरण किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। ये हमारे जनपद संभल के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही खुशी का एक अवसर है, क्योंकि इससे रेलवे विभाग की जो सेवाएँ हैं और जो सुविधाएं हैं वो लोगों के और नागरिकों को और भी बेहतर तरीके से मिलेंगी। एक सुंदर स्वच्छ रेलवे स्टेशन मिलेगा, जहां पे सभी अच्छी सुविधाएं जो एक नागरिक चाहता है वो उनको सबको मिलेंगी, और ये हमारे सभी जनपद संभल वासियों के लिए खुशी की बात है।